मैच तो पता ही था। ओह क्या शॉट मारा यार, क्या खेला है ये तो स्टार्क को जो मारा चौका। आउट 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 है, गया भाई साहब गया भाई। अब आउट हो गया भाई, आउट हो गया मैथ्यू शॉट भाई। ओए गया गया, यस भैया मानस ने। ऑस्ट्रेलिया है ये, जहां पे बड़ी बड़ी टीम जाती है डरती है। गया यस भाई, गया भाई, गया गया भाई। स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान के सामने सच बात है ये कि घुटने टेक रही है भाई साहब। आउट हो गया भाई भगवान, आउट हो गया जी। 121 पे 6 विकेट पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग का सर्वनाश कर दिया। अच्छी सीधी बात है भैया, ये एक्सेप्शनल है क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि पाकिस्तान इस तरह से डोमिनेट करेगा। क्योंकि हमने तो पाकिस्तान की तकदीर लिख दी थी कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाके तो अपनी धज्जियां उड़वाएगा। कि एक तरफ हमारा क्रिकेट है, बाय द वे भाई हम श्रीलंका से घर जाके ओडीआई सीरीज नहीं जीत पाए और ये जाके ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा रहे हैं। Assalamualaikum, वेलकम टू माई चैनल जस्ट क्रिकेट। दोस्तों हाइलाइट्स आपने देख ली हैं, चंद सेकंड्स के बाद फुल वीडियो की जानी भी चलेंगे। द वाईटी वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलवी टीम आज दूसरी ओडिया में पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल बेबस दिखाई दी। पाकिस्तान की तबाहकुन बॉलिंग ने ऑस्ट्रेलवी बैटर्स को टिकनी का नाच नचा दिया। पूरी टीम 173 रन बनाकर ढेर होगी, जिसके बाद शाहिम अयूब की शानदार बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान ने यह मैच जीत लिया और सीरीज को भी 1-1 से बराबर कर दिया, जिसके बाद हर तरफ पाकिस्तान की बॉलिंग और बैटर्स के चर्चे हो रहे हैं। जानने की फुल वीडियो में कि भारतीय मीडिया ने भी किस तरह पाकिस्तान की तरीफों के पुल बांधे हैं। मगर उससे पहले अगर आप भी हैं क्रिकेट के फैन तो क्रिकेट की हर लेटेस्ट खबर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आउट 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 है, गया भाई साहब गया। मैं बोल रहा था ये फ्रेजर मैकगर्क तुक्का है भाई, मिसिंग लेग, अरे आउट है। देखिए पिचिंग आउटसाइड ले गए भाई, मैकगर्क चला तो चला वरना कुछ नहीं, पिचिंग आउटसाइड ले गए। अरे आउट है भाई, ये सामने है ये, गया भाई साहब गया। चेक फ्रेजर मैकगर्क रिव्यू जा चुका है, अरे यार 21 रन पे 1 विकेट जा चुकी है। द ईगल द तीतर विकेट ले चलिए, बहुत बढ़िया भाई साहब। 3 ओवर के अंदर अंदर आपको पहली विकेट मिल चुकी है भाई। अब शाहीन मेरे भाई, शाहीन कैच को छोड़ दी मेरे भाई, विकेट मिल जाती है एक और, 21 पे 2 हो जाते हैं। आउट हो गया भाई, आउट हो गया मैथ्यू शॉट भाई, कवर अप हो चुका है। जो अफरीदी ने कैच छोड़ी थी, जो शाहीन ने कैच छोड़ी थी, ये दो उदास चेहरे जो कि क्रिटिसाइज कर रहे थे पाकिस्तान को भाई। भैया 3 विकेट ले चुके भाई साहब, 3 विकेट आपने ले लिया। और जॉस इंग्लिस हम लोग पहले ही बात कर रहे थे कि ये ओए गया गया, यस भैया मानस लबुशेन भी जा चुका है। मैं यही कह रहा था दुबे जी आपको, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप बोलते रहे हो जी कि मानस लबुशेन स्टीव स्मिथ अरे खड़े हैं, ये पार्टनरशिप लगा लेंगे। ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर पाकिस्तान की टीम ने पैनिक करवा दिया है भैया। 100 रन से पहले ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। एक हारिस रॉ भाई आग उगल रहा है, टेपिया आज आग उगल रहा है, रिजवान गुड कैप्टनसी यार, मतलब और वो भी कहां, घर का कोई टूर नहीं है ये, कोई होम पे नहीं खेल रहे हो आप, होम कंडीशन नहीं है ये, ऑस्ट्रेलिया है ये, जहां पे बड़ी बड़ी टीम जाती है डरती है कि ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतेंगे कैसे। पाकिस्तान ने पिछला मैच भूलिएगा मत, ऑस्ट्रेलिया को ऑलमोस्ट हरा दिया था, ऑलमोस्ट। तो दुबे जी 4 विकेटें हो चुकी है। अब आप बोलिए कि कौन आगे नहीं क्या? गया, गया, यस गया। भाई गया भाई गया गया भाई, स्मिथ भी जा चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान के सामने सच बात है ये कि घुटने टेक रही है भाई साहब। 101 रन पे पूरी आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। हारिस ने तगड़ी बॉलिंग कर दी है, शाहीन ने आग उगल दी है, रिजवान की कप्तानी तगड़ी चल रही है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जो है वो आईना दिखाया है भैया। पाकिस्तान की भाई ये जो बॉलिंग हो रही है, स्पेशली देखो ये रिजवान का जो इफेक्ट आया है कैप्टनशिप में, देखो कब आउट हो गया भाई भगवान, आउट हो गया जी। 121 पे 6 विकेट जा चुकी है हारिस रॉ द टेंसिया द टेपिया। 121 रन पे 6 विकेट हो चुका है ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जाके
ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग का सर्वनाश कर दिया, सीधी बात है। एरन हार्डी, स्टीव स्मिथ, जिस मर्जी को ले आओ, वो कहेंगे इंग्लैंड सीरीज बहुत अच्छी थी, बट जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में पाकिस्तान जान मार रही है ना, इनक्रेडिबल भैया, ये एक्सेप्शनल है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि पाकिस्तान इस तरह से डोमिनेट करेगा, क्योंकि हमने तो पाकिस्तान की तकदीर लिख दी थी कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाके तो अपनी धज्जियां उड़वाएगा, पाकिस्तान को ओडिया क्रिकेट तो खेलना ही नहीं आता। स्ट्रेटेजी वाइज पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग लगा, बोलिंग वाइज पाकिस्तान ने खत्म करके रख दिया भैया। सीधे मतलब अपने गार्डन में, अपने बैकयार्ड पे खेलने आए ओवल में, हम भी आपके जितने ही लड़ेंगे, और यहाँ लड़के दिखा रही है पाकिस्तान भाई। हारिस रॉफ वो बंदा है ना जो मार खा के आ रहा था T20 में, और लोग कह रहे थे कि वापस नहीं आने वाला है, कोई भड़के मारी ना उसने, कोई बात करी। एक तरफ ग्राउंडेड, एक तरफ मैं यही कंपैरिजन कर रहा हूं, एक तरफ इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज से पहले घमंड दिखाया, गुरूर दिखाया, इस वक्त जो घमंड दिखा रहा ना उसका घमंड चूर हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने घमंड दिखाया, हो रहा चूर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हार रहे हैं पाकिस्तान से, ऑलमोस्ट हार रहे हैं, हालते खराब हो रखी है, पहला ओडीआई ऑलमोस्ट हारते हारते बच गए, पैट कमिंस के पैर पड़ लो। कि एक तरफ हमारा क्रिकेट है, बाय द वे भाई हम श्रीलंका से घर जाके ओडीआई सीरीज नहीं जीत पाए, और ये जाके ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा रहे हैं। चार विकेट ले ली है ग्लेन मैक्सवेल जी, बिग शो को बस्ते में पैक करके फ्लॉप शो करके वापस भेज दिया है। 129 पे 7 विकेट, 200 छोड़े इनसे 150 ना बने, और पाकिस्तान की बोलिंग मैक्सवेल हंस रहा था जी, ले हंसले हसले भाई हसले, मतलब न्यूजीलैंड ने इंडिया का उतारा, अपने घर में हम हार गए। यही ईगो तुम जो लेके चल रहे हो कि भाई क्या है, पाकिस्तानी तो है, क्या कर लेंगे ये लोग। मैं हैरान था यार, लिटरली 6 विकेट गिरे हुए और मैक्सवेल हंस रहा है, दफन करके ताबूत में डाल के भेज दिया जाओ, और पैट कमिंस को पे आउट कर दे। ये आज पाकिस्तान ना ओवल के अंदर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का धज्जियां उड़ा रहे भाई, दफन करके आ रहे हैं उनके क्रिकेट को। पर आज भाई काबिले तारीफ है, जेन्युइनली बहुत ज्यादा तारीफ बनती है आज।